हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर कम्प्लीट किया है, जिसको मिलाकर अभी तक हमारे आई स्कीम के 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 48 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जी स्कीम की बात करें तो अभी तक हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा 60% सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो से हम 4th यूनिट यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स समझने के लिए बहुत ही इसेंशियल है। जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का यूज, यानी कि उसके एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर मैकेनिकल या फिर और कई ब्रांचेस में देख सकते हैं। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सिलेबस में इसके लिए 8 मार्क ही दिए गए हैं, लेकिन आई स्कीम के पेपर में इस पर 12 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जी स्कीम के यानी कि M3 के पेपर में इस पर 22 या फिर 20 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों चैप्टर पहले प्रिपेयर करने होंगे और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन सभी के फॉर्मूले और उन सभी के मेथड्स भी आना ज़रूरी है। तो देखते हैं डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है। एन इक्वेशन विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों, ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे हम सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है d2y/dx² + y = 0। तो इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है d2y/dx² और सेकंड टर्म है यहाँ पे y। अब यहाँ पे ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दोस्तों, यहाँ पे y इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे लिया गया है और सेकंड टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल y प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये सभी कंडीशन इस डेफिनेशन के सेटिस्फाई होते हैं, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। उसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल भी दोस्तों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। इस सेकंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर dy/dx ये डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, और सेकंड टर्म में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और थर्ड टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल y दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल कह सकते हैं। तो यह है डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंपली क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड टाइप होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं टाइप। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दो टाइप है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कैपिटल D.E, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे D.E, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डेफिनेशन,
अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म में है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों डेरिवेटिव में डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यक्स, यानी कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यक्स ही लिया गया है दोनों टर्म में। तो इसीलिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप। इसके बाद सेकंड टाइप क्या है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे सेकंड टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है दोस्तों, अ डिफरेंशियबल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है और वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, डो टू जेड डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डू वाई प्लस डो जेड बाई डू वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे लिए गए हैं, तो यहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और झेड इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लिया गया है, तो इसीलिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से हम ये सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं जिसमें झेड इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई यहां पे लिया गया है, तो इसीलिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो टाइप है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें फर्स्ट टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे इस यूनिट में मैक्सिमम तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही इस्तेमाल करना है, उसके ही प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियबल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमें यहाँ पे आई स्कीम के पेपर में 3 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है और जी स्कीम के पेपर में 2 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हम देख लेते हैं। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंपली क्या होता है, तो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ऑर्डर जो होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में, तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और वाई ये क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है दोस्तों, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसकी ऑर्डर क्या है दोस्तों, 2 है। तो इसीलिए इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर क्या होती है, सिंपली दोस्तों दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी ऑर्डर होती है और ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियबल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये जब रेडिकल एंड फ्रैक्शन से फ्री हो तब उस वक्त उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर ये क्या होता है दोस्तों, डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जिसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब और इस कम्प्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर भी रेडिकल या फ्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये फ्री है रेडिकल और फ्रैक्शन से। तब इस वक्त इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि यहाँ पे क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है पावर वन है। तो वन ये क्या है दोस्तों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखे हैं, और बाद में हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखे हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी डेफिनेशन समझ में आ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।